अधिकारी अमित सिंह बंसल ने जनपद में कमान संभालते ही दर पर पहुंच रहे हर पीड़ित की सुध लेना अपने अंदाज में शुरू कर दिया कि विजय बहादुर अपनी पत्नी रामदेवी को लेकर डीएम के ऑफिस पहुंचे और आप बीती बताई तो जिला अधिकारी ने तत्काल पीड़ित की समस्या पर मेडिकल कॉलेज के प्रचार को उचित इलाज के निर्देश दिए। रामदेवी का पैर कच्ची दीवार गिरने से फ्रैक्चर हो गया था। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी पीड़िता को मेडिकल कॉलेज से बिना इलाज के लौटा दिया गया। रामदेवी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड मेडिकल कॉलेज में जमा होने के बाद भी मेरा इलाज नहीं हो सका। वहीं पति विजय बहादुर के द्वारा डॉक्टर का लेन देन का मामला सामने आया और कहा कि बाहर से ही सामान मंगवा कर ऑपरेशन होगा, मेडिकल कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखना है कि जिला अधिकारी की पहल क्या रंग लाती है और दर दर भटक रहे पीड़ित राहत पाते हैं या नहीं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डायरेक्टर मुकेश यादव ने कहा कि मेरे पास मरीज के द्वारा कोई लिखित आरोप के दस्तावेज नहीं है, अगर कोई इस प्रकार की बात आती है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैसे आपका पैर टूटा, कैसे घटना हुई? अच्छा, तो आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे तो क्या वहाँ इलाज आपका सुचारू रूप से सही हुआ? कुछ भी नहीं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं होगा। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड को आपने दिखाया? जमा है वहाँ। तो फिर दिखाने के बाद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं दिया। आज आप कहाँ बैठी हैं? तो जिला अधिकारी ने क्या कहा? जिला अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर से मिलने की सलाह दी आपको। इसके बाद अगर आपका आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज नहीं हो तो आप क्या कहेंगे फिर इस आयुष्मान कार्ड के बारे में, क्या इनको कहेंगे? जब हमारा कोई इलाज नहीं हुआ तो कहेंगे कि हमारा इसमें कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं, चलिए ठीक। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? आज आप कहाँ पर आए हैं और किस प्रकार की समस्या को लेकर डीएम के दरबार आए हैं? डीएम साहब के पास जी, क्या समस्या है? समस्या मेरी मिसेज के पैर टूटा हुआ है। कब से, कैसे घटना हुई? कच्ची दीवार गिर गई है, उसी समय पैर टूट गया है। अच्छा, तो आपने इलाज कहाँ करवाया अभी तक? जिला अस्पताल में 6 फरवरी को एडमिट करवाया है। 6 फरवरी वहाँ से हमको रिफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। जी, 17 तारीख को हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए। तो जो प्रधानमंत्री तरफ से आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं तो क्या उसमें आपको कोई सुविधा मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल भी नहीं मिल रही। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं इसमें आपको कोई इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं इसमें। अच्छा, इतना मतलब आपके ये जख्मा पैर है, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना सामान की व्यवस्था है, ना कोई पैसे की व्यवस्था है। आप लोगों ने आप जिला अधिकारी का ज्ञापन दिया है, क्या कहा जिला अधिकारी साहब? हमने आश्वासन दिया है कि आप होगा हम कार्रवाई करेंगे। जी, कहाँ से हैं आप? प्रॉपर कहाँ से हैं? हम दूसरे यहीं रहते हैं, गायत्री नगर में गाँव हमारा कुकुमार के पते से हम दे रहे हैं। आज एक जिलाधिकारी के सामने एक प्रार्थना पत्र आया था जिस पर एक महिला का पैर टूटा हुआ था, उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने आज आपको फोन के द्वारा कुछ वार्ता की, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हमें अमित कंसल जी का फोन आया था और उन्होंने बताया था कि कोई मरीज है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, 10-15 दिन से भर्ती है और उन्होंने तो उनसे जो कहा गया कि मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया, जो कि झूठ था। मरीज हमारे यहाँ भर्ती है, डीएम साहब से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हम इनके हस्बैंड को भेज रहे हैं आपके पास। मैंने कहा भेज दीजिए, हस्बैंड भी आ गए और मरीज भर्ती है, उनका इम्प्लांट लगना है जो हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड नहीं किया जाता सरकार द्वारा, जो बाहर से मंगाया जाएगा और उसकी डेट मंडे और ट्यूसडे को फिक्स कर दी गई है। क्या कुछ लेन देन का आरोप भी नहीं लगाया? ऐसा कोई नहीं आया, ना डीएम साहब ने कुछ बताया। अगर मेरे पास राइटिंग में कोई भी इस तरह की कंप्लेंट आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई।